मूवी। आप भी से कौन सा थिएटर में आने वाला है हमारे को देखने? हाँ सच में प्रॉमिस। यही कहना चाहेंगे यार, ये जो फिल्म है इसका जो मजा है वो थिएटर में ही आएगा। अगर आपको स्त्री अच्छी लगी है, रूही स्त्री की से ज्यादा क्रेजी और उसकी क्रेजी बहन, इसमें बहुत हंसने को मिलेगा, बहुत डरने को मिलेगा, पूरा एक मिक्स्ड इमोशन आएगा। एंड पहली फिल्म आ रही है सिनेमा खुलने के बाद 11 मार्च को, हम लोग बहुत बहुत एक्साइटेड हैं। आई थिंक वापस अलाइव फील हो रहा है हम सबको ये प्रमोशन राउंड और थिएटर में वापस आके। सो प्लीज आइए थिएटर में 11 मार्च को, रूही देखिए, हंसते हंसते डरिए और डरते डरते हंसिए। जी, हमारे कंधों पे एक जिम्मेदारी है ये सोच के चलिए कि हम ये थिएटर कल्चर को मरने नहीं दे सकते, और हम बहुत ज्यादा हिम्मत करके हमारी फिल्म को ला रहे हैं, क्योंकि हम हमारी फिल्म पे ऑफकोर्स बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। एंड आई होप कि इस फिल्म के जरिए आपको वो थिएटर कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस वापस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, हंसने को मिलेगा, डरने को मिलेगा। फैमिली के साथ जाइए, मास्क पहन के जाइए, सैनिटाइजर लेकर जाइए, लेकिन प्लीज जाइए, आई प्रॉमिस बहुत ज्यादा मजा आएगा। एक और गाना है, ये सिर्फ आप पे फिल्म आया जाएगा, और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है कौन सा गाना है, देखो आई हर्ड द सॉन्ग, आई वाज लाइक ओ माय गॉड यस ऑफ कोर्स, एंड ही वाज लाइक हां लेकिन इसमें वाइब अभी बहुत हो गया, क्यूटी क्यूटी वो सब, यू नीड टू लाइक स्टेप इट अप। एंड लिटरली जब मैं आई गॉट दिस कॉल, मैं इन द कैमरा मैं आलू के पराठे और पालक पनीर खा रही थी, एंड आई हैड अ 3-4 डे नोटिस बिफोर शूटिंग दिस सॉन्ग, तो इसलिए टोन इसमें थोड़ा सा नदियों पार ऐसे, बट मैं घर जा रहा मजा आया मुझे। आपका रूही फिल्म से अभी तक का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? नदियों पार। मेरा जेन्युइनली नदियों पार गाना मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पनगढ़ भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक्चुअली सारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं, पर नदियों पार मेरा फेवरेट फेवरेट गाना है। अब मैं देखा आप तो गा भी रहे थे अभी साइड में। मैं डोंट नो, मैं गाने को बोलूंगा नहीं आपको। अच्छा जानवी, देयर आर अ फ्यू जर्नलिस्ट हियर, जब हम लोग यहाँ पे आए थे दे वर लाइक यार नदियों पार हमें बहुत अच्छा लगा है, एंड वी वांट टू डू द हुक स्टेप विद जानवी, सो वी हैव अ फ्यू जर्नलिस्ट जो जो डांस करना चाहते हैं आ जाए आगे। वो चेयर हेड वाली थी ना? हाँ सिर्फ लड़कियाँ, सिर्फ लड़कियाँ, लड़कों को कांटे लगे हैं। हाँ लड़के को कांटे लगे हुए हैं। अरे वो राहुल जी ने भाई मेरे साथ आ जाओ साइड पे अपना भाड़ा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा लड़के भी आ जा कर ले आ जा आ जा अरे हमें तो कुछ भी समझ लो तुम्हारा काम निकलना चाहिए। ट्रेलर बहुत ज्यादा फन लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि डरे, समझ में नहीं आ रहा है कि हंसे, बहुत कंफ्यूज हम खुद भी हो रखे हैं। एंड ट्रेलर देखने के एकदम बाद में सिर्फ एक रिक्वेस्ट है जानवी, आप इसे भी आगे आप प्लीज एक बार पैर दिखा दीजिए, सीधा है ना आपके पैर, पीवीआर का फोटो आप हां सीधे हैं ठीक है, मेन दर वाले सब पीछे हैं, आज रूही बन के आए हो, आज रूही बन के ये हमजा कब बनेंगी यार।
टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइस, द फिल्म लुक्स फैंटास्टिक। मेरे को स्पेशली ये जानना है कि जब यूजुअली ऐसा होता है कि आप कोई कॉमेडी फिल्म कर रहे होते हैं तो अक्सर होता है कि आप एक्टर्स खुद ब खुद थोड़ा बहुत हंसने लग जाते हैं। सो व्हाइल शूटिंग अ हॉरर फिल्म आप लोग के साथ ऐसा होता है कि आप लोग सीन करते हो खुद थोड़ा सा डर जाते हैं? मेरा काम तो डराने का था और मेरा प्यार करने का। बट आई थिंक जोक्स अबाउट, आई थिंक जिस तरह से आपने बोला, ऑफ कोर्स कई बार अरे भाई क्या है, बड़े कूल लग रहे हैं, मैं इतना खुश हूं ना, इतने टाइम बाद आया हूं ना दिल्ली और सबसे मिल रहा हूं। और सबसे ज्यादा अगर सच्ची बताना, थिएटर में वापस आके मजा आया नहीं? आया ना वापस मजा, हम भी वेट कर रहे हैं यार 11 मार्च जल्दी से आए, रूही सिनेमाज में लगे और ऐसे लोग बैठे हंसे डरे मुस्कुराए, मजा आएगा। सॉरी कमिंग बैक में ज्यादा भावुक हो गया था थिएटर में आके वापस, बट आई थिंक होता है ना अक्सर मनाली में शूट कर रहे थे, डिजर्टेड एक पूरा एक फॉरेस्ट लैंड था, रात को शूट कर रहे थे, तो कई बार सबकॉन्शियसली आपको लगता है कुछ हो रहा है, ये है वो है, तो ऑब्वियसली वैसे होता है। एट द सेम टाइम जैसे हम जब कॉमेडी सेक्शन शूट कर रहे होते थे तो जिस चीज पे होता था करते करते ऑटोमेटिकली इम्प्रोवाइज करके हंसने लग जाते थे। सो आई थिंक जो जॉनर का ब्लेंड होता है उसमें बंदा ब्लेंड हो ही जाता है। लेकिन हर बार जब भी हम हॉरर सीक्वेंस शूट करे थे, यू रिमेम्बर जब